जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हारी हरकत की वजह से बेगुनाह पाकिस्तानों की लाशें क्यों गिरी। कौमी असेंबली इजलास, वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की तकरीर के दौरान हंगामा रहा। अपोजिशन अरकान का मोहसिन दावड़ और अली वजीर को ईवान में बुलाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो नशस्त पर खड़े होकर बोलते रहे, कायम मकाम स्पीकर ने माइक ना खोला। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। पीपल्स पार्टी अरकान का स्पीकर के दायस का घेराव। स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। आज पार्लियामेंट में जो हुआ वो जमहूरियत नहीं आमराना तरीका था। हुकूमत ने किसी ऑपोजिशन मेंबर को बोलने नहीं दिया। बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है तो एमएनएस पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। मदीने की रियासत में पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक हो रहा है। अली वजीर और मोहसिन दावड़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए खत लिखा था, हुकूमत सिलेक्टेड ऑपोजिशन और अदलिया चाहती है। और आज मुल्क भर में जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बड़े इज्तमात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़िलिस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे होंगे। हुर्रियत क़यादत की आज यौम कश्मीर और फ़िलिस्तीन मनाने की अपील।